need to tell you something. I really, 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 really like you. I want you. Do you want me? Do you want me too? हेलो गाइस, वेलकम टू द जी मेडिटेशन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ब्लेड के बारे में। तो ब्लेड एक मार्वल का पुराना कैरेक्टर है। इसके पीछे ऑलरेडी पहले ही 3 मूवी आ चुकी है और देन अब मार्वल फेज 4 में इसका एक डिफरेंट अपडेट आया है। और आपको पता होगा कि सोनी भी ऑलरेडी एक वैम्पायर के ऊपर मूवी बना रहा है जो कि सोनी और एक मार्वल की मूवी होगी, बट ये मार्वल स्टूडियो से अलग प्रोजेक्ट है। और देन अभी हाल ही में केविन फाइगी भी काम कर रहे हैं मार्वल फेज 4 पर और देन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर। बट अभी हाल ही में पता ये चला है कि वीजली जो कि ब्लेड का रोल करते थे उनको लेकर मार्वल फेज 4 में 2 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है एक साथ। जी हाँ, अब वो क्या हो सकता है? तो काफी लोगों ने उम्मीद लगाई कि वो शायद ब्लेड मूवी हो सकती है और मेरे हिसाब से ऐसा ही होगा, क्योंकि पुराने कैरेक्टर को लेकर कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करना, यानी कि मार्वल स्टूडियो का एक रूल है कि वो किसी भी कैरेक्टर को रिपीट नहीं करता है। अगर वो रिपीट करेगा तो अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चलेगा। बट वीजली को लेकर वो शायद, मुझे लगता है कि ब्लेड की मूवी बना सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर ब्लेड के ऊपर काम चल भी रहा है तो ब्लेड की 2 मूवी आएंगी, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2, और ये मूवी रिबूट हो सकती है रूमर्स के हिसाब से। तो ये काफी डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट होगा और प्रोजेक्ट होगा फेज 4 में ब्लेड का। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइमलाइन इसकी कैसे एंटर करेंगे मार्वल स्टूडियो में, क्योंकि टाइमलाइन काफी अलग चल रही है और एक वैम्पायर की मूवी हॉरर लाना वो काफी डिफरेंट होगा। तो गाइस देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर डोर मामो के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।